हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक नई अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने यूपीपीसीएल में एई का एग्जाम दिया है, चाहे कैंप असिस्टेंट का दिया हो चाहे पर्सनल ऑफिसर का। उनका आंसर की का लिंक एक्टिव हो चुका है, वे अपना आंसर की चेक कर सकते हैं पोर्टल पर जा कर के, और विभाग ने वो लिंक एक्टिव कर दिया है। तो चलते हैं पोर्टल पर, लेके चलेंगे आपको, पूरी जानकारी देंगे किस तरह से आपको अपना आंसर की चेक करना है। यदि आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, यूपीपीसीएल का ये होम पेज है। यदि आप यहाँ वैकेंसी और जो रिजल्ट लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका एक पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका, देखिए, डाउनलोड रिस्पांस की एंड अपलोड ऑब्जेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल। ये जो एई हैं सिविल, उनके लिए पोर्टल यानी ये लिंक है, यहाँ क्लिक करके वो अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। और यदि आंसर की में किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो आप वहां से ऑब्जेक्शन फिलअप भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये वाली जो लिंक है वो कैंप असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए है, वो अपना इस लिंक पर क्लिक करके अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहां देख सकते हैं ये लिंक पर्सनल ऑफिसर के लिए है। अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कैंडिडेट ने जो पर्सनल ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया है, तो वो अपना आंसर की इस लिंक से चेक कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि जो आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई थी उसमें कुछ संशोधन हुआ है, और उसमें जो है कुछ पद बढ़ा दिए गए हैं, और उसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ट का एक वो था रिजर्वेशन, उसमें कुछ हैंडीकैप्ट का प्रकार था वो बदल दिया गया है। तो उसका पीडीएफ लिंक ये है, यहाँ से आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलते हैं किस तरह से आपको आंसर की चेक करनी है। सपोज़ कीजिए हम चेक करते हैं कैंप असिस्टेंट थर्ड के लिए, इस पर लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, और यहाँ कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से आप फॉरगेट पर जा करके क्लिक करके अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। और यदि इस तरह से आपके अगर मोबाइल पे देख रहे हैं इस तरह से नहीं हो रहा है, तो आप अपनी ब्राउज़र की सेटिंग में जा कर के, जैसे ये यहाँ पर जो सेटिंग का चिन्ह दिया है यानी कि एरो का, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप जब यहाँ जाएंगे इस जगह पर आप चेक कर लीजिए कि क्या आपका यहाँ पर टिक लगा है डेस्कटॉप साइड पर। यदि इस पर टिक नहीं लगा होगा तो मान लीजिए आपका जो टिक हटा दें यहाँ से, तो इस तरह से दिखाई देगा, तो इस तरह से दिखाई देगा जहाँ आप जो है अपना, ये आपको दिखाई नहीं देगा, सब ये हाइड हो जाएगा इस बैकग्राउंड से। तो यदि आप उसे भरने में असमर्थ हैं तो आप अपने यहाँ जाकर के ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपको मिलेगा लास्ट में जाकर यानी कि डेस्कटॉप साइड पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी ये साइड अच्छे से व्यू होगी, आप उस पर आराम से अपना लॉगिन करके पेपर देख सकते हैं। ये थी आज की अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।